जय हिंद दोस्तों, ये रंधावा डेयरी है कपूरथला में। हरभजन सिंह है, देखो नौजवान है, ये आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इनके पास गायों को आके देखो, समझो कि कैसी नस्ल वाली होती हैं, कैसा उनका खान पान होगा और कैसे उनकी संभाल होगी। तो आइए, ये जो गाय दिखा रहे हैं इनसे बात करते हैं। ये जो गाय जो दिखा रहे हो तो बिकी हुई है, बेचनी है? नहीं, ये बिक्री हुई है। बिक्री हो गई है, महाराष्ट्र के लिए बेची है। महाराष्ट्र के लिए? कौन सी ब्यांत में है ये? सेकंड लैक्टेशन में है। दांत भर गई होगी? भर गई है, दांत भर गई है। कितना दूध देगी ये? एस्टीमेट 30-32 लीटर के करीब देगी दूध। पहले में कितना दिया था? पहले में 28 लीटर का है इसका रिकॉर्ड। 28 का जी, अब 30-32 दे देगी? बिल्कुल, अभी जनी हुई है, मेल काफ है पीछे। अच्छा, और 23-24 लीटर खीस आ रही है आज। तीसरा चौथा दिन है। क्या दाम होगा? 110,000 में लिया जी। अच्छा, 110,000 में लिया या दी है? दी है आगे, 1,00,000 दी है। 110,000 में 30 लीटर जी, 30-32 के करीब में दे देगी। अच्छा, तो क्या इसको खुराक चाहिए? इसको साइलेज चाहिए, फीड चाहिए और मतलब कि हैवी चाहिए इसको। अगर फीड का हम लगाएं तो 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 kg फीड लगती है। अच्छा, 2.5 लीटर दूध के लिए 1 लीटर 1 kg फीड। अच्छा, 1 kg फीड चाहिए। हाँ। उस हिसाब से आप लगा लीजिए। कोई हरा चारा भी जोड़ोगे? हरा चारा भी जोड़ते हैं। कितना चाहिए हरा चारा? पेड़ भर तूड़ी और हरा चारा वो चाहिए। जहाँ साइलेज है तो साइलेज चाहिए पेड़ भर। फीड में मिनरल होते हैं सारे? फीड में होते हैं, जो अपनी बनवाते हैं उसमें। तो आप जो आपका दिल चाहता है उस हिसाब से आप बनवा के डलवा सकते हैं। अच्छा, ये दूसरे नंबर पे जी, सेकंड लैक्टेशन में या दूसरे नंबर पे? अच्छा, पैनी मेकर की बहुत बढ़िया गाय है। अच्छा, वो पहले वाली का नहीं बताया कौन सा सीमन था, 1 नंबर का? वो HF में आती है, थोड़ी सी क्रॉस में है। क्रॉस में? हाँ, थोड़ी क्रॉस। तो ये पैनी मेकर? ये पैनी मेकर की है, ये प्योर। इसको लगा कौन सा है? इसको आगे मेरे हिसाब से ये किसान के घर से लिया, उसका कंफर्म नहीं हम कह सकते, लेकिन वो बोल रहे थे कि इसको ABS का WWS का सीमन लगा। यार, अब तो किसानों के यहाँ की गाय भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके पास रिकॉर्ड नहीं ना रहता है। रिकॉर्ड नहीं रहता। रिकॉर्ड के बगैर हम बोल नहीं सकते। लेकिन हमने देखा कि उनका पालन पोषण कम नहीं है अब। हाँ, नहीं, पालन पोषण तो देखिए आप, बछड़ी का कितनी साम संभाल से पाली हुई। हाँ, अब इसको चाहे फार्म की बोल दो। हाँ, बोल सकते हो, फार्म की भी बोल सकते हो। इसकी ब्याह जो है दूसरी है, सेकंड लैक्टेशन में है। अभी 10-15 रोज बाकी है इसके, बाकी है ब्याहने में। जी जी, तो इसका दाम क्या होगा? ये भी उसी 1,10,000। ये 5 गाय ली है 5,50,000 में। 5,50,000 में? हाँ, और 2 गाय, एक है वो 1,65 में ली है। अच्छा, तो 7 गाय तब आएंगी, तब बता दो। ये जो गाय दिखा रहे हैं जी, ये तो सेकंड लैक्टेशन की है, HF में है। अच्छा, सेकंड में है। कब तक भी आएगी? 1 महीना बाकी है। 1 महीना बाकी है। ब्रीड में? ब्रीड में है। कितना दूध देगी ये? करीबन हम इसका 25-28 लीटर मान के चल रहे हैं, इतना देगी आराम से। 25-28 जी, सेकंड लैक्टेशन है, फर्स्ट में तो इसमें 24। ये भी उस 5 में है? ये नहीं, ये उसमें नहीं है, ये जो अलग से 2 ली है ये उसमें आती है। 1,65 की ली है। हाँ। ये 90,000 की ली है। अच्छा, तो हमको एक बात बताओ, जब गाय ब्याती है जी तो उसको एक टाइम खाली क्यों नहीं करते, बार बार थोड़ा थोड़ा करके करते हैं? देखो, जब गाय ब्याती है तो एकदम खाली कर देते, कैल्शियम की कमी आ जाती है इससे, क्योंकि दूध जो होता है उसका खीस रहता है उसमें, वो सारा कैल्शियम नुचड़ के आ जाता है। अगर एकदम खाली कर दोगे तो उसको कैल्शियम की कमी आ जाएगी और उसकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। किसी भी किस्म में आएगी, जैसे साहीवाल है, जर्सी है, उनमें थोड़ी कम आती है, HF में ज़्यादा आ जाती है। भैंसों में जब बहुत आती है। भैंसों में बहुत आती है। हम तो समझते हैं कि उसकी ज़्यादा इम्यूनिटी है। नहीं, भैंस को भी एक दो मतलब के डंग खाली नहीं करना चाहिए। मान लो आज सुबह जनी है तो शाम को और अगली सुबह और अगली शाम तक पूरा खाली नहीं करना चाहिए। अच्छा। 1.5 लीटर नीचे दूध छोड़ना चाहिए उसकी खीस। अच्छा, छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर कैल्शियम की कमी आ जाएगी। तो अगर कमी आ जाती है तो फिर कैसे ठीक करो? कैल्शियम जेल देनी पड़ेगी, फिर ग्लूकोज उसको चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ाना पड़ सकता है क्योंकि कमी आ जाती है ना, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। अच्छा। खाना छोड़ देगी, पानी छोड़ देगी। हाँ। बुखार हो जाएगा। अच्छा, वो जो जिनको ये बेची है तो वो आए थे खुद क्या? जी, यहाँ पर आए थे वो। अच्छा, आए थे जी।
उन्होंने अपनी पसंद से अपनी पसंद से जो ब्याई हुई है मिल्किंग मिल्किंग करके लिया जो ब्याई हुई है उसकी कितनी बार मिल्किंग की उन्होंने दो टाइम किसी की तीन टाइम भी की है जो नजदीक थी जो थोड़ी दूर थी उसकी दो टाइम भी की है। अच्छा चलो ये बड़ी सुंदर है ये बहुत सुंदर है ऑर्डर कितना इसका इंपैक्ट है बहुत क्वालिटी में गाय है डेनमार्क की है बहुत अच्छी गाय है। तो पिछली वाली का दाम नहीं बताया क्या था पिछली वाली का 90,000 दाम बताया अच्छा 90,000 वो जो पांच के अलावा दो थी ना उसमें उसमें थी वो तो इसका दाम क्या है ये भी उसी 1,10,000 के लॉट में 1,10,000 में जी। तो ये दूध कितना देगी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40 लीटर के करीब में इसका। अच्छा कब तक भी आएगी ये अभी 10 रोज और बाकी हैं दूसरी ब्यांत है ये दूसरी ब्यांत है पहली में कितना दिया पहली में इसने 35 लीटर के करीब दिया 40+ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार 40 तो देगी देगी हाँ अगर महाराष्ट्र में जाके थोड़ा सूट भी करती है तब भी ये 35 से तो कम नहीं जाएगी 40 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40 देगी ही देगी फिर तो रेट सही है बिल्कुल सही जेन्युइन रेट में आएगी। तो कितना भाड़ा लगा वहाँ का सब कुछ डाल के 80,000 रुपये में गाड़ी जाएगी 80,000 जी। तो उसका कोई टैक्स वैक्स तो है नहीं इसके ऊपर नहीं टैक्स वैक्स कोई नहीं है जो रास्ते की पर्चियाँ हैं वही है जो बॉर्डर पे लगती हैं बस वही पुलिस खर्चा थोड़ा बहुत हो जाता है बस। ये पांचवें नंबर पर है बहुत सुंदर गाय है सुंदर है कितने दांत में है खीरी है अभी दांत दिखा दे मिल्क टीथ है दांत दिखा दे दिखा दो सुन दिखा पहला दांत दिखा रही है अभी जी जी जी। तो कितनी उम्र होगी इसकी करीबन 22 महीने के करीब 22-23 महीने तो कितना समय मांगती है 1.5 महीना बाकी है 1.5 महीना तो लगा सीमन कौन सा है ये इसको WWS का ABS का लगाए सेक्सुअल है सेक्स सीमन लगाए इसको फार्म से लिया बच्चे कितने का है वो करीबन 2,000-2,500 के करीब। अच्छा और ये खुद कौन से की है ये डेनमार्क में आती है बहुत अच्छी है 40-116 की होगी बछड़ी दूध कितना देगी दूध एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट में 22-23 लीटर के करीब में इसका 22-23 दे देगी जी। दाम क्या होगा इसका ये भी वो इस 1-10 के लॉट में लिए है तो ये इतनी महंगी क्यों वो 40 वाली ब्रीड बहुत अच्छी है लेकिन वो 40 लीटर वाली अगर अकेली लेने जाते तो 1.5 लाख में पड़ती है। अच्छा ये अगली आ गई जी तो ब्रीड में है नहीं क्रॉस ब्रीड में क्रॉस ब्रीड में आ गई जी। दांत कितने हैं भर चुकी है सेकंड लैक्टेशन में है दांत भर चुकी है ब्याह गई नहीं नहीं ब्याहने वाली है समय 1 महीना बाकी है पहले में कितना दूध दिया इसने पहले में 20 लीटर के करीब पहले 20 दिया तो किस दाम में जाएगी 75 अब कितना देगी अब करीबन 22-25 की एक्सपेक्टेशन है। अच्छा 75,000 दी है जी 75,000 तो पहले ये बताओ इन ब्रीडिंग की बात कर रहे थे जी। तो अगर जिस सांड का टीका है उसी का दोबारा लगा दें गाय को तो क्या हो जाता है नहीं हो रहा तो कुछ नहीं है हाँ। लेकिन अगर उससे और ऊपर की टॉप की ब्रीड आ रही है हाँ। तो वो लगाने में क्या हर्ज है वो भी लगा सकते हैं ना। अच्छा जो ज्यादा दूध क्षमता वाला है उसको लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें इसका भी कोई जवाब नहीं बहुत अच्छी गाय है ABS की WWS सीमन की है कितना दूध देगी 35 लीटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.5 महीना बाकी है 35 लीटर दाम भाई 1-10 1-10 में ही भाई 1-10 में गई है अकेली होती तो 1-30-35 की कहीं नहीं सेकंड में है सेकंड में है इस बार। अच्छा तो सीमन कौन सा लगा हुआ इसको इसको भी WWS का ही लगाया है ABS का है इसको लगा एकदम नरमैक है WWS का ABS का लगा हुआ है वही लगा हुआ है इसको जी जी। तो कितना समय बताया इसका 1.5 महीना बाकी है 1.5 महीना बाकी है तो एक कितना समय लग गया उनको मतलब कि एक कलेक्शन करके देने में कलेक्शन इनका एक पहले लौट गया था उसको 1 दिन में बना दिया था इसको 2 दिन लगे दीपावली का करके दूसरी बार आए हाँ जी बिल्कुल दूसरी बार आए दूसरी बार तो एक जो तुम ये गाय दिखा रहे हो जी तो हम जो बात कहना जा रहे थे थोड़ा हिचकिचा गए थे तो किस तरह के किसानों के लिए हैं कुछ लोग तो जो है बहुत हैवी 50 लीटर वाली मांगते हैं तो कैसे लोगों के लिए है कौन से लोग इसको संभाल सकते हैं ये वाली जो गाय है एक मिक्स सा लॉट बनाया है जिसमें 20-25 लीटर की भी है और 40 लीटर की भी है हर एक किसान के लिए ये ठीक है हर एक किसान इसको संभाल सकता है कुछ फार्म की है ज़्यादातर किसानों के घर से खरीदी हुई है किसानों के घर से खरीदी हुई है जो वो साइलेज पे नहीं लगी हुई है आगे जाके जो मर्जी दे सकते हैं उनको चले चल जाएगी मतलब कि जो नए हैं हाँ वो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं इनसे कर सकते तो ये क्रॉस है जी थोड़ी क्रॉस ब्रीड में है लेकिन बहुत लंबी है लंबी बहुत है बेल बहुत है वजन बहुत है वजन तो 8-9 क्विंटल से कम नहीं हुआ इसका बहुत वजन है इसका
कितना दूध दे देगी ये? इसने पहले में 30 लीटर लगाया है, इस बार ज्यादा की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेकंड में है इस बार। हो जाएगी 32-33 आराम से। तो कब तक भी आएगी है? ये भी अभी 2 महीना बाकी है जी इसका है? 2 महीना बाकी है। 2 महीने जी, 2 महीने बाकी है। लेकिन ये सेल नहीं की है, ये अभी घर पे अवेलेबल है, ये आज ही खरीद के लाए। ऑनलाइन सीमन है? हाँ जी सीमन। सीमन इसको भी एबीएस का लगा हुआ है, WBS का। तो बेचोगे कितने की इसको? ये देखिए अगर तो आज के दिन में बेचते हैं तो ये 70-75 हजार के करीब की है। क्रॉस है इसलिए। हाँ अगर ब्रीड में होती फिर कितने? ब्रीड में 1.5 लाख की थी। इतना फर्क है? हाँ, दुगना। देखो हाइट वजन क्या है, कलर क्या है, शाइनिंग क्या है इसकी। तो फिर क्रॉस में क्यों ले आते हैं? दूध की फैट ज्यादा रहती है क्रॉस में। अच्छा दूध की फैट ज्यादा रहती है। मान लो क्रॉस ब्रीड वाली 20 लीटर वाली और दूसरी 30 लीटर वाली एक बराबर है फैट के हिसाब से अगर जाओगे। अच्छा तो बात वहीं आ जाती है। बात वहीं आ जाएगी। रेट आता रहेगा। रेट ब्रीड का तो रेट लगेगा लगेगा, क्रॉस ब्रीड का भी लगता है लेकिन थोड़ा कम में आ जाता है। 75 हजार की आज के दिन में है, अगर तैयार करके बेचोगे तो 1,75,000। 75 से कम भी कर दो, हो जाएगा कोई बात नहीं। कितना समय बताया? 2 महीना बाकी। 2 महीना बाकी है। 71 तक कर दो दे दे। चल अगली लेके ये सबसे आखिर में जी हैं तो सफेद सफेद है, रंग सफेद है, बिल्कुल सफेद है। तो क्या कहोगे इसके बारे में? थोड़ी क्रॉस ब्रीड में है। अच्छा छोटी है, उनके मुकाबले में नहीं है जो पहले दिखाई है। दूध? दूध 15-18। 15-18। दाम? दाम बिल्कुल जेन्युइन दाम है, 45 की दे देंगे। 45 हजार। 41 में भी कर दो? नहीं लास्ट वाला ही बोल दिया। 42 में? नहीं लास्ट वाला बोल दिया। अच्छा लास्ट 45 और 1000 रुपया कम कर देंगे। और कम कर 44 में? हाँ चलो 43 भी हो गया कोई बात नहीं। लेकिन दूध जो है 15-18 लीटर आराम से निकालेगी। अडर उडर अच्छा बनाएगी। तुम बहुत सच बोलते हो, नहीं तो लोग कहते यार तो 20 बोल देंगे या 22 बोल देंगे। वो दिख रहा है उसके सामने ही, वो अच्छा क्या करेंगे? वीडियो खत्म करने से पहले किसानों के लिए क्या संदेश दोगे, पशुपालकों के लिए और किसानों के लिए किस धंधे में आने पे कैसा रहेगा? देखिए मेरा एक ही संदेश है, कोई भी बंदा जो है डेयरी फार्म का धंधा करना चाहता है पहले तो वो खुद उसको गायों के बीच में घुसना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हम नौकर रख के और इसमें प्रॉफिट कमा लेंगे वो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा उस पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। ब्रीड की खरीदारी करनी होगी, क्रॉस ब्रीड भी लेते हो तो चलेगी आपकी, लेकिन ये है कि आपको डेयरी फार्म को इस तरीके से रखना होगा कि आपका प्रॉफिटेबल बना रहे और आगे जो बच्चे बछड़ियाँ होती हैं ना उस पर खास ध्यान देना पड़ेगा। उसको पालना पड़ेगा अच्छे तरीके से, उसकी प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर आप डेयरी फार्म में थोड़ा कामयाब हो सकते हो। खरीदारी करते समय थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई मान लो बीमारी वाली गाय ना आ जाए अपने पास, उसके सारे टेस्ट हैं जो वो करवाने चाहिए प्रॉपर। टीबी का टेस्ट हो गया, ब्रुसेलोसिस का टेस्ट हो गया, इसके अलावा फुट एंड माउथ डिसीज का टेस्ट हो गया, ये करवाने चाहिए हर एक किसान को, ये करवाने चाहिए जो लेता है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।